हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय पर हिंदी निबंध। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान राज्य भारत में स्थित है। यह संग्रहालय रामनिवास गार्डन में जयपुर शहर में है। यह सबसे पुराना और विशाल संग्रहालय है। इस संग्रहालय की स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी। अल्बर्ट हॉल की नींव 6 फरवरी 1876 को रखी गई थी। यह हरे भरे बगीचे से घिरा हुआ है। यह इमारत बलुआ पत्थरों और संगमरमर से बनी हुई है। इसकी दीवारों पर बहुत खूबसूरत नक्काशी की हुई है। इसमें धातु कला, शस्त्र और कवच, मिट्टी के बर्तन, सुंदर मूर्तियाँ, लघु चित्र, मिट्टी का काम, संगमरमर की कला, अंतर्राष्ट्रीय कला, हाथी दांत आभूषण, लकड़ी का फर्नीचर, संगीत वाद्यंत्र, वस्त्र, कालीन आदि अनेक वस्तुएं हैं। यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही शानदार लगती हैं। यह संग्रहालय जनता के लिए खोला गया था। इस संग्रहालय में चारों तरफ खूबसूरत सी लाइटें लगी हुई हैं। अल्बर्ट हॉल के बाहर बड़ा सा चबूतरा, फव्वारा और बगीचा है। रात के समय यह इमारत रोशनी से जगमगा जाती है, जो बेहद खूबसूरत लगती है। अल्बर्ट हॉल को सरकारी केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। अब इस संग्रहालय की देखभाल सरकार के द्वारा की जाती है, इसलिए इसके अंदर चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। इस संग्रहालय में अंदर जाने के लिए अब टिकट भी लगता है। यह भारत में एक आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों से भी ज़्यादा लोग वहां जाते हैं। यह सभी पर्यटकों का आकर्षक पर्यटन स्थल है। अल्बर्ट हॉल बहुत ही खूबसूरत इमारत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।